कुल्लू में पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। मनाली और पतलीकोल थाने में 32 किलो चरस पकड़ी गई। एनडीपीएस के मामलों के तहत पकड़ी गई 23 किलो चरस को पुलिस द्वारा जलाया गया। कुल्लू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरुदेव ने कहा कि आज अलग अलग मामलों में 32 किलो चरस पकड़ी गई है, इसमें से 23 किलो चरस को जलाया गया। 17 मामले मनाली और 15 मामले पतलीकोल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। पिछले एक साल के अंदर पुलिस ने करीब 250 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। कुल्लू पुलिस लगातार जिले में नशे की रोकथाम में जुटी हुई है। आज हमने यहाँ पे जो हमारे कुल जो 32 केसेस 32 केसेस की केस प्रॉपर्टी को जो एनडीपीएस एक्ट में हमने जब्त किया था, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और इसमें से जो हमारे 17 केस है वो मनाली पुलिस स्टेशन के हैं और 15 केसेस जो है वो पतलीकोल पुलिस स्टेशन के हैं। तो टोटल 32 केसेस में की ये केस प्रॉपर्टीज़ का वेट है 23 किलो और 260 ग्राम चरस, इसको आज यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है। हमारा प्रयास है कि जो भी इस तरह के कारोबार में संलिप्त रहते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस वर्ष भी पुलिस ने लगभग 250 के करीब जो लोग हैं उनको एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हमारे सभी तरह के केसेस हैं, चिट्टा के केसेस भी हैं, चरस के केसेस भी हैं और दूसरे जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनके केसेस इसमें शामिल हैं। और ये अभियान जो है आगे भी पुलिस का जारी रहेगा। कुल्लू में पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। मनाली और पतलीकोल थाने में 32 किलो चरस पकड़ी गई। एनडीपीएस के मामलों के तहत पकड़ी गई 23 किलो चरस को पुलिस द्वारा जलाया गया। कुल्लू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरुदेव ने कहा कि आज अलग अलग मामलों में 32 किलो चरस पकड़ी गई है, इसमें से 23 किलो चरस को जलाया गया। 17 मामले मनाली और 15 मामले पतलीकोल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। पिछले एक साल के अंदर पुलिस ने करीब 250 लोगों को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। कुल्लू पुलिस लगातार जिले में नशे की रोकथाम में जुटी हुई है।